अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की आज की एपिसोड तो आप लोगों ने देखी होगी। अगली एपिसोड में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। अगली एपिसोड में आप देखेंगे। जमील और पिज़्ज़ा गाड़ी में जा रही होती है तो जमील पिज़्ज़ा से कहता है कि पिज़्ज़ा, मैं बहुत दिनों से आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन डरता हूँ कहीं आप इनकार ना कर ले। तो पिज्ज़ा कहती है, जमील क्या बात है, साफ साफ कहो ना। तो जमील कहता है, पिज़्ज़ा मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जमील की ये बात सुनकर पिज़्ज़ा बहुत हैरान रह जाती है, लेकिन पिज़्ज़ा जमील की ये बात सुनकर बहुत खुश भी हो जाती है क्योंकि पिज़्ज़ा भी जमील को पसंद करती है। इसके बाद आप देखेंगे। पिज़्ज़ा का बहन पिज़्ज़ा से कहती है कि जमील के बारे में बता दो ना, उन्होंने आपसे क्या कहा था। तो फिज़ा कहती है कि मैंने तो आपको बताया था ना कि वो कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिज़ा का बहन कहती है कि मेरी मानो और जमील को हाँ करो क्योंकि जमील बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और बासित मेरे ख्याल से आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो फिज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, जमील को हाँ करूँ या बासित को, और वह इसी सोचों में रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि पिज़्ज़ा का बाप बैंक जाता है तो बैंक वाले उससे कहते हैं कि हमने वहाँ पे कार्ड भिजवाया था लेकिन वहाँ पे किसी ने भी रिसीव नहीं किया। तो पिज़्ज़ा का बाप कहता है कि इंतहाई बेवकूफ़ लड़की है वो। इसके बाद आप देखेंगे पिज़्ज़ा का बाप घर आता है और पिज़्ज़ा से उस कार्ड के बारे में पूछता है कि वो कार्ड आया था या नहीं और आपने उस कार्ड को रिसीव क्यों नहीं किया। तो पिज़्ज़ा अपने बाप की बातें सुनकर खामोश रहती है और अपने बाप को कुछ भी नहीं बताती। जी दोस्तों, आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की आज की ये प्रोमो कैसी लगी हमसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।